किसान 27 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इस बीच में किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। चलिए सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। तारपीटो करने की खातर, लोगों को कहने की खातर, आपका पक्ष जचाने की खातर एक अटैक है। असं यह समझते हैं भी लोगों आम जोड़े लोग बाहर बैठे ने घोल तो या मीडिया जोड़ा उन्होंने गोदी मीडिया है वो मीडिया एक गल प्रचार करता भी सरकार तो किसानों गलबात करने वास्ते तैयार है तो सर किसान भी नहीं जा रहे। आ देखो जी चिट्ठी सदा पत्र का गया होना का जवाब ही नहीं कोई आ रहा। असल च सरकार अमेंडमेंट करने दे वास्ते जे कोई चर्चा करनी है फिर तरीक भी दे दो थां भी दस दो। यानी जिथे गल टुटी सी 5 तरीक उत्थी खड़ी है। इहदा मतलब है कि सरकार का साफ जवाब है अमेंडमेंट करवा लो कानून रद्द नहीं होंदे। पंजाबी दे विच ये अर्थ बनता वो चिट्ठी का। फिर हुण जथेबंदियां ने सोचना है कि जथेबंदियां का की जवाब देना। साडी जथेबंदियां दो जथेबंदियां इह गल नूं ऐ समझदियां ने भी सद्दा पत्र नहीं है, इह इक चिट्ठी है जिहदे विच इह दस्सिया होया भी असीं आ आ सोधां करतीआं होर करवाउणियां ने करा लो रद्द दी झाक छड्ड दिओ। चिट्ठी का असीं अर्थ आ समझदे। बाकी साथी अपना अंधेर कर हिंदी कर जो केंद्र सरकार द्वारा चिट्ठी भेजी गई उसका प्रेस में पूरी चर्चा है और जो सरकार के प्रवक्ता है जो नेशनल मीडिया है वो बातें इस तरह की उठा रहा है कि केंद्र सरकार एक कदम आगे आई है जो हमें उसे देख नज़र में देख रहे हैं। और अब क्या किसान एक कदम आगे आएंगे? तो जैसे ग्राहा जी ने कहा कि सरकार ने अपनी पोजीशन पहले श्योर कर ली, जो भी खेती बिलों के लिए वो अपनी पोजीशन को तय करना चाहते थे उन्होंने पोजीशन तय कर ली कि खेती कानून तो वापस नहीं लेंगे, उनकी पूरी सीमा तय कर दी। और उसके बाद एक खत आया कि अगर आप खेती कानून वापस लेने वाली बात से पीछे हटकर खेती कानूनों में संशोधन करने के लिए बात करना चाहते हैं तो समय भी आप दीजिए और डेट भी खुद दीजिए। तो ये चिट्ठी कम, सरकार का बढ़ाया हुआ कदम कम, ये एक चक्रव्यूह रचने का जत्न किया जा रहा किसान संगठनों के ऊपर और उसका प्रचार माध्यमों में फायदा कैसे लिया जा रहा है कि देश के बड़े हिस्से को जो इस बात से अनजान है कि केंद्र कूटनीति कौन सी चालें चलता है, यूनियन का कौन सा असली पक्ष है। साधारण आदमी ये सोच सकता है कि शायद किसान ही अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, सरकार तो बहुत ज़्यादा संजीदा है, बहुत ज़्यादा गंभीर है इस बातचीत के लिए। तो ये मीडिया में खास करके नेशनल मीडिया में ये उभार आ रहा है। तो हम इसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि बातचीत भी केंद्र सरकार से यहीं पर टूटी थी कि हमें अमेंडमेंट मंजूर नहीं है, आप कृषि के 3 कानून वापस ले लीजिए। तो बात जहां टूटी थी वहां पर ही खड़ी है। अगर देश में जिस तरह से मीडिया भारत सरकार के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं उस तरह से दबाव डाला जा रहा है, अगर मान लीजिए हमारी दोनों यूनियन की ये पोजीशन तो नहीं है, किसान अगर बातचीत के लिए हाँ करते हैं तो इसका पूरे देश में क्या मायने निकाले जाएंगे भी किसान अमेंडमेंट के लिए तैयार हो गए हैं, जिसे शायद नेशनल मीडिया ये कहे भी किसान भी एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, जो कदमों का आगे पीछे का हेर फेर चल रहा। तो ये आगे बढ़ना नहीं, हमारा तो आंदोलन फेल होगा इससे, जिस बात को लेकर हम चले हुए। तो केंद्र एक तरह से छल वाली नीति की सोच समझ के ये प्रचार प्रोपोगंडा हमारे खिलाफ कर रहा है। वैसे चिट्ठी में कुछ भी ऐसा नहीं है
जिसके ऊपर कोई डिस्कशन हो। एक बात उसमें आई थी खुलकर, फिर सरकार ने कहा कि आपने जो कर लिख कर दिया है वो बहुत कम है, आप और लिख कर दीजिए। हम कह रहे हैं भी क्या ये हमारी बात समझ नहीं आ रही सरकार को, भी हम तो आपसे मांग कर रहे हैं भी कृषि के 3 कानून वापस लेने चाहिए, तो ये बोलने भर से सरता नहीं, अगर कहें तो ये लिख के भी दे देते हैं भी कृषि के कानून वापस, तो इसमें लिख के देने वाली कौन सी बात है। इसी तरह से बिजली शोध बिल 2020 है, या पोल्यूशन वाला एक्ट है, या सभी फसलों की खरीद की गारंटी के लिए सरकार कानूनी प्रावधान लेके आए, ये बातें तो गई हुई है। अब भाई अगर ऐसा भी करेंगे तो यूनियन को क्या पैड पे भी लिख के देगी, तो ये बात केंद्र को वैसे भी समझ आ रही है, तो कुछ ऐसा लिख के देने की जरूरत नहीं बची हुई भी जो लिख कर दें। उस चिट्ठी में इसका जिक्र किया गया, और दूसरा उस चिट्ठी में ये भी जिक्र नहीं है कुछ भी आप किन से मीटिंग करवाएंगे। अगर गृह मंत्री जी से मीटिंग फेल हो चुकी है, वो कह चुके हैं मीटिंगें भी मेरी तो इज्जत का सवाल है, मैं कृषि कानून वापस नहीं लूंगा, तो भाई फिर इससे नीचे कोई मीटिंग करने की आप बात करते तो क्या उच्चा उसकी क्या औपचारिकता रह जाती है। चलो ये भी सोचने का विषय है अभी, तो ये कुछ बातें तो उन्होंने भी क्लियर चिट्ठी में नहीं की है। हमारे ऊपर चक्रव्यूह किस तरह से बनाया जाए, तो आम लोगों को जो केंद्र सरकार की भूमिका है वो अच्छी तरह से कैसे बतलाई जाए, और किसान लीडर्स को जो वो अड़ियल कैसे बताया जाए, ये कहने की कोशिश करी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक सीधी सी बात है कि कोई फरियादी होते हैं मांग करने वाले, हम मांग करते हैं ना, हुक्म तो नहीं देते। फरियादी 1 महीने से आपके दरवाजे पर बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, फरियादी भाई क्या अड़ियल रवैया करेंगे। अब राजा जी तो सुनते नहीं है, तो आदमी आपके माध्यम से, अगर भारत में कोई लोकतंत्र है तो भाई हमारी आवाज सुनिए, तो इन कृषि कानूनों को वापस लीजिए जहां पर बातचीत अटकी हुई है, यही है हमारी प्रतिक्रिया। देखो हुण दी घड़ी दे विच असीं इस कहण दी हालत च नहीं भी असीं गलबात वास्ते जांदे, क्योंकि साडियां 2 जथेबंदियां दी रहि असीं बणी है, असीं अजे इहनूं इह नहीं कह सकदे तुहाडे सामणे भी असीं मीटिंग च ना जाण दा फैसला करां। जे असीं मीटिंग दे विच जाणा है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। जो चिट्ठी दे बारे साडा एनालिसिस है वो असी तुहानू दस्से है भी आ असी समझदे आ चिट्ठी नूं, तां अगली जिहड़ी मीटिंग च जाण दा ना जाण दा फैसला अजे उहनां नाल सांझा कर। ਸੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੂਗੀ? ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਫਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਬਣਦਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਰਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, 1 ਦਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ?
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਨਾ ਰੱਖੋ ਫਿਰ 8 ਬਣਦੀ ਸੀ। 8 ਬਣਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੇਟ 9 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਡੇਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਡੇਟ। स्वतंत्र रूप से तो कोई कानून बनाया ही नहीं गया है, ये तीनों अलग अलग बनाए गए, तो सुधार किया हुआ जो अध्यादेश है उसमें और अमेंडमेंट के लिए कैसे बुलाया जा सकता है, ऐसा कौन सा प्रोविजन है? देखिए फिर तो बहस से तो यही अमेंडमेंट है। देखिए फिर तो बहस चल पड़ी। अगर ऐसा बताना है कि और अमेंडमेंट क्या हो सकता है, अमेंडमेंट होने के लिए बहुत कुछ है। देखिए जरूरी व्यवस्था एक्ट 1955 है, उसको छुआ भी नहीं इस अमेंडमेंट, इसलिए हम इधर नहीं चलना चाहते। अमेंडमेंट का तो मतलब नहीं, अगर हम वो मानते हैं कि कानूनों के अंदर नुक्स रह गया, अगर किसी बात के अंदर ये प्रमाण कर लिया भी हाँ यार ये लाइन तो गलत पड़ गया है, इसको हम काट देते हैं और दूसरा लाइन जो आप बोलते हैं वो पा देते हैं। इसका तो साफ अर्थ है कि कानूनों के अंदर किसी ना किसी से तो गड़बड़ हुई है। अगर गड़बड़ हो गया कानून में तो उसमें भी ये भी तो साफ है कि उसमें बहुत कुछ गलत है। अगर उसमें बहुत कुछ गलत पड़ा हुआ है तो उसकी फरोलाफगाड़ी करने की जरूरत नहीं, उनको रद्द कर इस बात को। जो मूल रूप से गलती है हाँ। उन लोगों ने जबरन अभी तक किसान पूरे भारत में इतने सारे किसान यूनियन है उसमें से अमेंडमेंट के पहले किसी के साथ उसने चर्चा नहीं की है, इतने सारे राजनीतिक दल है उसके लिए भी चर्चा नहीं की है, कोरोना काल के अंदर दोनों सदन के अंदर कोई चर्चा के बिना अपनी मेजोरिटी के तौर पर उसने अमेंडमेंट लगा दिया, लगातार 1, 2, 3 करके लगा दिया, तो उसी टाइम चर्चा नहीं है। तो अभी अमेंडमेंट पूरे देश के किसानों का यही मांग है कि ये अमेंडमेंट हमेशा के लिए कैंसिल हो जाए, तो इनके लिए चर्चा कहाँ होती है? देखिए अमेंडमेंट कैंसिल कहाँ हो जाता है? चलिए हाँ देखो जरा मतलब जो कानून आए जो तीन ने वो चो ना किसी ने सलाह मशवरा नहीं किया, ना कि देश की किसी किसान जथेबंदी कोई सलाह मशवरा नहीं गया। वो जे लैके आए हैं जो भी ये इन्होंने कानूनों के जो भी सारिया जिन्हें भी ये पॉइंट है वो पॉइंट सारे किसान विरोधी आ, वो किसानों के हक में नहीं है कोई भी, वो असी उन्होंने सारिया जिन्हें भी वो पॉइंट आ पूरे के पूरे जिन्हें तीनों बिल आ वो तीनों बिलों को अं रद्द कर रद्द करते हैं भी ये तिने रद्द किए जाए, ये सानू मंजूर नहीं। जो तो असी मंजूर नहीं कर रहे उसको तो उसमें अमेंडमेंट का क्या सवाल है? अं तो अमेंडमेंट मांग ही नहीं रहे उससे, अं तो मांग रहे हैं उसको रद्द करो, हाँ जा ना करो तो काम निपड़े। देखिए आपका जवाब इस तरह से जो आपने बोला वो दुरुस्त बोला, पहले जो सवाल किया वही दुरुस्त था कि कहीं भी चर्चा नहीं हो सकी, तो यही तो दुखद बात है कि जब देश के लिए आप बिल लेके आ रहे हैं तो उसका खरड़ा देश के लोगों के पास जाना चाहिए। यहाँ कोई जमहूरियत है तो देश की विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी थी भी कोरोना काल में इमरजेंसी इनको अध्यादेश लाने पड़े, यही सवाल उठा रहे हैं। वैधानिक रूप से कोई भी कानून, ये जो कानून में अमेंडमेंट किया वो 1955 का है, लेकिन ये इनका डेट 1955 में लागू किया गया है, लेकिन ये अमेंडमेंट ऑलरेडी अंग्रेज का बनाया हुआ है जिसके कारण हम लोग परेशान थे। अगर ये अमेंडमेंट करना था तो जो 1955 में कॉमोडिटी एक्ट है उसमें जो सुधार करना था तो उसकी जितनी भी प्रोविजन है उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए। ये अमेंडमेंट तो यही हुआ कि जितना किसानों का है वो उद्योगपति को दे दिया जाए, बराबर इनके प्रोविजन तो इसकी करनी उसको लागू करना था, तो अभी तक जैसे नोटबंदी कर दिया, जो जीएसटी कर दिया, एफडीआई कर दिया, आप ही के सवालों में आप ही का जवाब है। आप जो हमने बोलना था वो तो आप बोल रहे हैं। नहीं तो अभी किसान क्या चाहते हैं, किसान का फैसला क्या है, ये घुमा फिरा के जबरन लगा ही रहे। नहीं ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। देखो रद्द नहीं की असी इस गल रद्द नहीं करते क्योंकि तुसी मीडिया वाले बैठे हो, दुनिया बैठी है, देश के लोग बैठे ने, जिन्हें चाहे चर्चा चला रखी है उन्होंने भी असी पहलकदमी की है, जिहड़ी पहला सरवण पंधेर के गए ने भी असी पहलकदमी की है, चर्चा है। देखो सरकार किड्डा बड़प्पण है, सरकार ने ला एक जिहड़ा लाक हुआ हुआ सी मतलब डेड हुई सी गल उतों शुरू कर ली, ये प्रचार किया असी मतलब वह बना है
की देखना है, की संदेश करना है, मीडिया दे विच की गल लैके जानी है, जनता नूं दसण दी खातर साडी वाजबियत होवे। असीं गल करन जा रहे हैं तां क्यों जा रहे हैं, जे गल असीं करने जा रहे हैं तां क्यों नहीं जा रहे। इह बणाउणा तां बाकी है ना जी। अज दा साडा सवाल इही है, असीं तुहानूं इही दस्सिआ है वी जिहड़े इह चिट्ठी है उह की है, असीं उहनूं की समझदे हां, असीं उह तां बणाउणा बाकी है। ये कहां से शादी ब्याह का तो मामला है नहीं कि आप प्रेम पत्र लिखे, वो प्रेम पत्र लिखे, आप दिनांक तय करे, बैठ के मिल मिलाप करे, ऐसा तो कोई माहौल नहीं है। तो देश का कानून है, इसमें चिट्ठियों का कहां से बात हो जाता है, कौन सा शतरंज होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ने जिथो गल टूटी है साडा कोई समझौता टूटदा ओहदे जिहदे करके समझौता टूट गया वो गल्लां ते कढ़ के गाहां सरकार अगे वध के की विचार रही है। कानून रद्द करन वास्ते की प्रोविजन है, रद्द करना नुकसान की हो जाणगे, जां उह रद्द करन दे समां किन्ना लगदा है, जां रद्द करन दा प्रोसैस की है, जां कानून रद्द हो सकदे ने कि नहीं हो सकदे, इह करन वास्ते लीगली इहदा की प्रोसैस है, उह गल ते चर्चा होनी चाहीदी है। असीं उही चर्चा दी मंग कर रहे हां। देखो असी प्रधानमंत्री एक अथॉरिटी है जिहदे कोले सारी इह पावर है, असी कहिंदे वी जिहड़ा बंदा वी साडे नाल गल्लबात बहिंदा उहदे कोले पीएम दी पावर होवे, उहदे कोले पावर अथॉरिटी दे के भेजे उह फैसला कुन ताकत होवे, साडे सामने बैठण वाली पावर है जिहड़ी उह फैसला कुन होवे। इक वारी कई वारी आए खेतीबाड़ी मंत्री बैठे हुंदे ने ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਨਵੈਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। चिट्ठी पर अपनी राय रख दी है कि चिट्ठी का जो मजमून आया है उस पर आपकी क्या राय है, लेकिन जो आगे की जो प्रक्रिया है, जाना है या नहीं जाना, वो आप दो जो दोनों जत्थेबंदियां निर्णय लोगे या संयुक्त रूप से इस जत्थेबंदियों पर इसका निर्णय होगा। देखिए हमने लगभग अपनी पोजीशन को बताने की बता दिया, इसके बाद होता हर जत्थेबंदी का, दोनों जत्थेबंदियों का ये पॉइंट ऑफ व्यू, हम चिट्ठी को ये समझते हैं लगभग रद्द करने वाली पोजीशन ही है, पर फिर भी अगर हमारे सभी के मिलकर और कंसेंसस भी बनते हैं तो रास्ता हमने बंद नहीं किया है, इसका कहने का तो ये तत्पर है। हाँ, हमने अपनी बात रख दी, चिट्ठी के बारे में निर्णय भी लगभग आप समझ ही गए। की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हम संशोधन नहीं बल्कि कानून के रद्द होने को ही जब है उनकी मांगे पूरी होंगी, जब तक कानून रद्द नहीं होगा घर वापस नहीं लौटेंगे। साथ ही साथ किसानों ने केंद्र की तरफ से मिली चिट्ठी को लेकर भी कहा कि पत्र के जरिए सरकार ने चक्रव्यूह रचा है और उसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। सरकार ने कहा है कि कानून रद्द नहीं होंगे, ये किसानों की तरफ से कहा गया है और संशोधन के लिए किसान तैयार नहीं है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जो केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है और हम इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं।